नमस्ते फैमिली, स्वागत है आप लोग का मेरे ब्लॉग में। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और अभी सुबह के बज रहे हैं 8 और मैं जल्दी किचन में बना रही हूँ नाश्ता। आज रोटियाँ मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आज पिंकी को जाना है डॉक्टर के पास। पिंकी, पतिदेव और राजू यानी मेरे देवर जी, सब कुछ बढ़िया है, सारा रिपोर्ट अच्छा है, लेकिन जो चेकअप होता है ना, रूटीन चेकअप, उसके लिए जाना है। तो ये भी साथ में चले जाते हैं, ड्राइव करके अभी यही जाते हैं। तो ये लोगों को जाना है इसलिए मैं नाश्ता बना रही हूँ सबके लिए। और यहाँ मेरा सुबह सुबह भाई आया हुआ है, देखिए चाय पी रहा है। ये खासकर माँ पापा से मिलने आया है, इनको निमंत्रण देने आया है। ये मैं कभी और आपको बताऊँगी कि किस चीज़ का निमंत्रण है। ये लोग जा रहे हैं, अब टाइम हो गया है। नहीं खुला है क्या? अभी अंदर बैठेंगे तब खोलेंगे। खुल गया। आप भी बैठ जाइए। तो ये लोग गए, अब मैं जा रही हूँ नहाने, कहीं बिंदी भी गिर गई। थोड़ा लेट हो गया, 10:30 से ज्यादा हो रहे हैं। ऐसे भी घर से किसी को निकलना होता है तो टाइम थोड़ा इधर उधर हो ही जाता है। तो अब मैं जा रही हूँ फाइनली नहाने, नहा के पूजा करूंगी। अभी दिन के 2:30 बजने वाले हैं, सबने खाना खा लिया है, बस हमारे दोनों बच्चों ने नहीं खाया है। राजू अभी स्कूल से आया है और हैप्पी अभी आया है, पढ़ के उठा है। तो वो लोग गर्म भुजिया जरूर चाहिए, आलू की भुजिया। देखिए जिस दिन उनके मनपसंद की सब्जी नहीं बनेगी उस दिन आलू की भुजिया बननी ही बननी है, गर्मा गर्म। और दोनों कुछ नहीं मतलब मांगते हैं खाने के लिए, दाल चावल और ये भुजिया दोनों प्रेम से खा लेंगे। तो अभी गर्मा गर्म भुजिया बना रही हूँ दोनों के लिए। राजवीर, राजवीर बाजार पसारने शांति को तो भगवान देवे नहीं किए हैं। तुम वो खाना खाना चाहिए ना, पैर धोके क्या कर रहा है तुम? देख लो, मुझे अभी ठंडा हो जाएगा। और ये लोग भी आ गए थे। आप भिंडी का बना दिए दीदी, राजवीर को तो अच्छे नहीं लगता है। नहीं आलू का है, मम्मी चिढ़ा रही है तुमको। ये लोग भी 1:30 बजे तक आ गए थे। अभी बज रहे हैं रात के 8:30 और हमारे नॉनवेज किचन में बन रहा है देखिए चिकन। और माँ पापा चिकन नहीं खाते हैं, हम लोग सभी खाते हैं, माँ पापा नहीं खाते हैं। अचानक से शाम में देवर जी ने बोला क्या चिकन बनाइए, तो हैप्पी मार्केट जाके ले आया है। और देखिए इस किचन में बन रहा है माँ पापा के लिए भुजिया, जो पिंकी बना रही है। देखिए कहाँ है भाई आलू की भुजिया? भुजिया रखे हैं, माँ पापा का ही सिर्फ काटे हैं। तो माँ पापा भुजिया रोटी खाएंगे। वेजिटेरियन नहीं, वेजिटेरियन नहीं है, मटन खाते हैं, चिकन नहीं खाते। मटन मछली खाते हैं, चिकन नहीं खाते हैं, अंडा नहीं खाते हैं। तो अंडा मैं भी नहीं खाती हूँ, ऐसा नहीं कि मुझे अच्छा नहीं लगता है, अंडा से है मुझे भयंकर एलर्जी, इसलिए मैं अंडा नहीं खाती हूँ। माँ पापा अंडा और चिकन नहीं खाते हैं। राजवीर है देखिए हाथ धो रहा है, ऐसे ऐसे मिलोगे। राजवीर का बाल बढ़ गया है, कल छुट्टी है ना बेटा? अच्छा परसों संडे को कटवा लेना। और यहाँ देखिए देवर जी देखने आ गए कि बना है कि नहीं, इनको भूख लग गया। 8:30 हो गए, लेट हो गया थोड़ा सा, लेट हो गया, बस हो गया, पानी डालेंगे हो जाएगा। ये कभी बोलते नहीं थे, पता नहीं अचानक से आज इन्होंने कहा चिकन बनाइए। अब जो नहीं बोलता है अगर बोल देता है तो लगता है चलो कितना भी लेट हो जाए, कुछ भी हो जाए, चलो भाई बना दिया जाए। तो बस हो ही गया है, जाइए बैठिए, बस 15 मिनट और। फैमिली आज दिन है शनिवार और अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं और मैं आई हूँ देखिए अपने भाई के यहाँ। वहां मेरी हैरान परेशान भाभी देख लीजिए बेचारी। बाबू को लेके गोद में है, इसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं, इसका दांत निकल रहा है ना, बहुत परेशान कर रहा है। पोटी हो रहा है, पोटी हो रहा है बाबू को, पतला पोटी कर रहा है, उल्टी हो रहा है, सब कर रहा है ना। और देखिए भाई ने रायता बना लिया है और यहाँ बनाया है इसने देखिए चिकन बिरयानी। तो इसने कल ही बोला था कि कल चिकन बिरयानी बना रहा हूँ आ जाओ, हालांकि मैंने मना किया इसको बहुत रहने दो, लेकिन ये राजवीर और हैप्पी खाते हैं मन से। तो सैटरडे है, राजवीर की भी छुट्टी थी तो ये जिद करने लगा, आ गए आज ना राजवीर, आ गए चिकन बिरयानी खाने। देखिए हमारी चिकन बिरयानी और इसके साथ ये मस्त रायता रहेगा। भाई का कल जब मेरे यहाँ गया था ना उसी समय उसने बोला था कि दीदी सैटरडे को आना दोनों बच्चों को लेके,
चिकन बिरयानी बना रहा हूँ। सैटरडे संडे उसकी छुट्टी रहती है, तो हालांकि मैंने उसे मना भी किया, मैंने कहा रात में ही देखो सबने चिकन खाया है, रहने दो फिर कभी, पर वो इतना प्यार से बोलता है और इतना मन से बनाता है ना वो, कि आदमी ना कह ही नहीं सकता है। वैसे कोई बात नहीं दीदी, थोड़ा थोड़ा ही खाना, पर दोनों बच्चों को लेके आना। तो वही मैं और राजवीर और हैप्पी आए हैं, और हैप्पी तो आप जानते ही हैं जल्दी वो कैमरे के सामने आता नहीं है, तो हम लोग अभी खा रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया ही कि भाई गया था माँ पापा से मिलने, सबको उसने निमंत्रण दिया है, और किस चीज़ का निमंत्रण है वो आप कंटिन्यू मेरे ब्लॉग के साथ बने रहिएगा, मैं बताऊंगी। और फिलहाल तो अभी हम लोग चिकन बिरयानी का आनंद ले रहे हैं, सच में बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी बनाया था इसने। अभी बज रहे हैं शाम के 7 बजने वाले हैं, और राजवीर आज देखिए हमारा राजवीर क्या बना हुआ है। देखिए कौन, आयरन मैन ना। इसने देखिए ऑनलाइन मंगवाया, थोड़ा दिखाओ कैसे कैसे करके दिखाते हो बॉडी और ऐसे करके देखिए आयरन मैन, तो तुम सुपर हीरो बन के बचाओगे ना सबको ड्रेस पहन के। राजवीर राजवीर छोटू आयरन मैन हो गया, कोल्ड हो गया, सुस्त हो गया है राजवीर। एक बार अच्छी तरह से दिखा दो ना, इधर खड़ा होके अच्छी तरह से ऐसे करके, वाह पूरा ऐसे ऐसे कैसे कर रहा था, बाबा को दिखा रहा था, आयरन मैन बना हुआ है। और देखिए किचन में मैंने कैसे अपना ये स्टैंड लगा के रखा हुआ है, ट्राइपॉड कैसे लगा के रखा हुआ है। अभी किचन में कुछ कुछ काम भी करूंगी, देखिए सब्जी वगैरह बनाऊंगी, ऊंचा है हाँ, और यहाँ पे शॉर्ट्स भी बनाऊंगी, इसलिए थोड़ा तैयार भी हुई हूँ मैं, ऊंचा है ना। फैमिली अभी रात के 10 बजने वाले हैं और हम लोग घूमने निकले हैं। देखिए राजवीर क्या खा रहे हो बेटा, पिंकी है, मैं हूँ, हैप्पी है। ऐसे ही मतलब मन किया हम लोग का, खाना वगैरह सब बन गया है, ऐसे ही मन किया। राजवीर भी बोल रहा था आज छुट्टी रहती है, कल संडे है, भैया कहीं घुमा दो, तो हम लोग घूमने निकल गए हैं, थोड़ा सा एंजॉय हो गया। देखिए घूम रहे हैं हम लोग। अभी हम लोग एक जगह मार्केट में रुके हुए हैं, हैप्पी कुछ खाने के लिए लाने गया है। पिंकी हम लोग खाना बना के आए थे, हम लोग खाना बना के आए थे, लेकिन अब बाहर निकले हैं तो भाई बिना खाए घर में कैसे जाएंगे। पिंकी दीदी बाहर निकले हैं कुछ तो खा के, ऐसे बहुत दिन हो भी गया था हम लोग कहीं निकले नहीं थे, तो आज राजवीर के बहाने हम लोग भी निकले बुआ, है ना, राजवीर के चलते हम लोग भी घूम फिर लेते हैं कहीं कहीं। हाँ वही हम लोग बोले ना कि खाना वगैरह बना के हम लोग निकले थे। अच्छा कल हम लोग सोचे कि भाई चलो राजवीर एक तो जिद कर रहा था, ऊपर से कल संडे था, नहीं संडे रहता तो नहीं निकलते। हाँ तो हैप्पी कुछ लाने गया, बोला मामा कुछ लेके आते हैं, सब खा के घर चलेंगे। तो जैसे कि हम लोग मैंने बताया ही, तो रोटियां बन चुकी है, सब्जी भी है, तो ऐसा करेंगे हम लोग सुबह नाश्ता वही कर लेंगे, क्यों राजवीर को भी खिलाएंगे। राजवीर इसी के चलते हम लोग खाए, हमको तो कुछ इनाम मिलना चाहिए ना, क्या इनाम चाहिए, क्या इनाम चाहिए तुमको, 10 रुपया। देखिए हैप्पी ले आया है बर्गर सबके लिए, लेट लो। अच्छा ये भी है, लोग यही खाएंगे। छोटी मम्मी का कौन सा है, पार्सल हो गया वहाँ पीछे, दे ले ली पिंकी। यही राजवीर का है।